अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद दयाना। स्पेशली जो उमर अकमल क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं एमएच शहजाद की फैंस हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है, अच्छी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। नदीम उमर साहब का इंटरव्यू और उन्होंने बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। पर वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रिकेट से मुताल्लिक किस तरह की अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलती रहें। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। देखें, सबसे पहले तो मैं उसको थैंक यू करना चाहूँगा, तासिर जो है एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे सवाल किया था कि भाई उमर अकमल का रिहा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने इस पर थोड़ा ध्यान दिया और इंटरव्यू मुझे मिला। यहाँ पर नदीम उमर साहब का जो कि उमर एसोसिएट के चेयरमैन भी हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो फ्रेंचाइज है उसके मालिक भी हैं, तो उन्होंने ऑफिशियली तौर पर जो है एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है यहाँ पर उमर अकमल और अहमद शहजाद को, और कहा कि हमने फर्स्ट जो पीरियड था ये पीएसएल का यानी कि पीएसएल 6 जो था, इसमें अहमद शहजाद को ना लेने की सबसे बड़ी वजह थी कि उनके अंगूठे में इंजरी थी और किसी भी फ्रेंचाइज ने इसलिए उसको नहीं लिया। और मैंने भी बड़ी वीडियोज़ बनाई, बाकी लोगों ने भी वीडियो बनाई कि यहाँ पर क्यों नहीं लिया अहमद शहजाद को, तो अब ऑफिशियली तौर पर अहमद शहजाद की अब ये बात कन्फर्म हो गई कि भाई उनकी अंगूठे की इंजरी की वजह से जो है, आपको पता है कि उनकी इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से वो नेशनल टी20 कप से भी बाहर हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, वो अभी पूरी तरह से फिट नहीं थे, जिसकी वजह से हमने अहमद शहजाद को नहीं लिया, लेकिन जो पीएसएल 7 है उसमें हम 100% अहमद शहजाद को लेने जा रहे हैं और अहमद शहजाद हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे, कुछ भी करके जैसे कौन सी भी कैटेगरी आती है तो उसमें अहमद शहजाद को वो एक बार फिर से जरूर कंसिडर करना चाहेंगे। और उमर अकमल के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी सुनाई, और उमर अकमल का जो उन्होंने बताया कि एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उन्होंने रिश्वत ली या फिर वो जिस वजह से पीएसएल से बाहर हुए थे। उनका रिहैब जो है वो भी अभी तासिरुल्ला साहब ने पूछा था कि तासिरुल्ला जो तासिर है उन्होंने पूछा था कि उनका रिहैब कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो रिहैब में अभी उनके 2 से 2.5 महीने बाकी हैं। और नदीम उमर साहब ने ये कहा कि जैसे उनका रिहैब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा फिर वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला उमर अकमल भी अहमद शहजाद के साथ हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे कि हम उनको वापस लेके आएँ, क्योंकि उनके जाने से जितना बुरा क्वेटा का हाल हुआ है ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि उनके जाने से अहमद शहजाद और उमर अकमल के जाने से जितना बुरा क्वेटा का हाल हुआ है, क्वेटा की टीम एक्चुअली पूरी एक्सपोज होकर रह गई। हालांकि उनके पास बॉलर अभी भी वही हैं, अगर आप बात करते हो अनवर अली की, तो अनवर अली, अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये इनके तीन जो हैं स्पिरिट बॉलर स्पिरिट प्लेयर्स हैं, जिसमें कि आप सरफराज अहमद को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये चारों जब तक टीम में होते हैं टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, लेकिन इनमें से आपको पता है कि तीन प्लेयर्स तो वैसे ही चले गए, मतलब अनअवेलेबल थे, जिसमें एक थे आपके पास सबसे पहले अनवर अली। अनवर अली आपको याद होगा कि चार एक ओवर में लास्ट ओवर में 25 रन चाहिए थे और सिर्फ एक मैच से जो है यहाँ पर पिशावर जलमी ने ये बैच जीता क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। वो तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं अनवर अली एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड नदीम उमर साहब की जो टीम है उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त वो परफॉर्म करते रहते हैं। उमर अकमल के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी उन्होंने सुनाई है और यहाँ पर अहमद शहजाद के हवाले से भी सुनाई है। तो जो जितने भी मेरे दोस्त थे, जितने भी मेरे भाई लोग थे जो पूछ रहे थे अहमद शहजाद और उमर अकमल का, कुछ लोग तो उनके डाई हार्ड फैन हैं, दिल से फैन, यानी कि वो परफॉर्म नहीं भी करते, जिस तरह मैं फैन हूं शाहिद अफरीदी का, मैं कहता हूं बस शाहिद अफरीदी को मैंने देखना है, भले कोई विकेट ले ना ले, कोई परफॉर्मेंस दे ना दे, जो भी हो, बस मैंने शाहिद भाई को पिच के ऊपर और स्टेडियम में खेलते हुए देखना है। तो इस तरह से कुछ लोग उमर अकमल और अहमद शहजाद के भी फैन है, हालांकि कुछ लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फजूल प्लेयर समझते हैं, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और सम पीपल हैज मतलब उनको कुछ लोग से नफरत है, कुछ लोग को जो है उनसे नफरत करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मसला जरूर रहता है, बट फिर भी क्रिकेट जो है वो सबको ज्यादा यूनाइट करके ही रखती है, क्योंकि इन लोग को देखने का एक अपना ही मजा है। जब अहमद शहजाद चलते हैं, आपको याद कि 2019 का जो फाइनल हुआ था उसमें अहमद शहजाद ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, हालांकि मोहम्मद हसनैन जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, बट अहमद शहजाद ने जो है 50 प्लस रन स्कोर किए थे और नॉट आउट विनिंग रन जो है वो अहमद शहजाद ने बनाए थे, जो कि बहुत ज़बरदस्त उनकी एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी पीएसएल की रही है। उन्होंने जो है 4 consecutive 50s आई थिंक स्कोर कर दी थी उस मैच में, और जो सेकेंड लास्ट मैच था प्ले ऑफ का उसमें उन्होंने 99 रन की इनिंग खेली थी, हालांकि वो लास्ट ओवर में जो है उनको यहाँ पर आउट कर दिया गया था, आई थिंक शनवारी ने आउट किया था, नहीं था लाहौर के अंदर के खिलाफ ये मैच था, बट आई एम नॉट श्योर, बट यहाँ पर ये बात कन्फर्म है कि उनको जो है 99 रन पे आउट किया गया था, पिशावर जलमी के खिलाफ एक्चुअली वो मैच था, उन्होंने 99 रन पे उनको आउट किया था और उनकी जो वो थी वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी, उसके बाद उन्होंने 50 प्लस रन स्कोर करके अपनी टीम को जितवाया भी। ओवरऑल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा जैसे जैसे कुछ अपडेट मिलेगी। यहाँ पर उमर अकमल अहमद शहजाद जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में वापसी जरूर कर रहे हैं। आप लोग से गुजारिश है क्रिकेट से मुताल्लिक अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में देखे बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि आपको क्रिकेट से मुताल्लिक किस तरह के अपडेट्स चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।